तो हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद का तो लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 2। ठीक, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या, आपका करना आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये आपको वेरीफाई भी करना है, आपको साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है। ये तीन पार्ट है इसके अंदर आपको, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे। पहला सवाल हम बनाते हैं, पहला वाला जो सवाल हमारा, इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या हमारा, 26 को हम इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। तो 26 को हम क्या ले सकते हैं, ऐसे देखो 26। दो से प्राइम नंबर सबसे छोटी संख्या से काटेंगे प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटते हैं। मैंने बताया था मैं आपको 13 × 26 होता है। अब 13 से खुद से कटेगा आपका, एक प्राइम नंबर है आपका, ठीक है, एक बार में। ठीक है, तो 26 को क्या ले सकते हो, 2 × 13 ले सकते हो, 2 × 13 ले सकते हो, ठीक। वैसे 91 काम करते हैं, 91 काम निकालते हैं। कितनी बार में कटेगा आप, इस 7 से आपका कटेगा प्राइम नंबर से आपका, 13 × 97 होता है, 13 × 97 होता है आपका, ठीक है। तो 13 एक प्राइम नंबर है, 13 ही बार में आपका जाएगा, आपका एक बार में आपका जाएगा। तो 91 को क्या ले सकते हो, 7 × 13, 7 × 13 ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको तोड़ लिया, सबसे पहले यही हमारा काम है आपका। अब यहाँ से हम एचसीएफ और एलसीएम सीखते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है बाबू, ये जो एचसीएफ होता है आपका, जो दोनों नंबर का आपका, ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। इसका मिनिमम पावर देखो, एचसीएफ में हम क्या देखेंगे, ध्यान देना आप सवाल में, आपको एचसीएफ में हम क्या देखेंगे, सिर्फ जो आपका फैक्टर जो आपका कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर देखेंगे। क्या देखेंगे हम, मिनिमम पावर देखेंगे, किसका पावर देखेंगे, मिनिमम पावर जो भी हमारा कॉमन होगा हमारा उसका, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो आपका 13 और 13 दोनों में कॉमन है, तो इसका मिनिमम पावर देखेंगे। तो इसका पावर कितना आपका, एक है, इसका पावर कितना आपका, एक है, तो मिनिमम मैक्सिमम आपका एक ही होगा, यानी 13 का पावर 1, तो आपका कितना आपका आ गया, 13। तो इसका एचसीएफ कितना आपका आ गया, 13 आपका आ गया, ठीक है। अब एलसीएम का बात करते हैं, एलसीएम में आपका क्या होता है, आपका यहाँ पर ध्यान रखना, आपको एलसीएम में आपको क्या होता है, आपका एलसीएम में आपको होता है मैक्सिमम पावर देखते हैं। क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के साथ हमारा जो कॉमन होता है वो चीज देखते हैं ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम पावर कॉमन लिख देते हैं, जो भी हमारा फाइटर कॉमन होता है, ठीक है, वो वाला देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं होगा यहां पर लिख देता हूं, जो कॉमन नहीं होगा, नहीं होगा, उसको उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी कि गुणा के फॉर्म में, हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है, गुणा में उतार लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एलसीएम में क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर कॉमन, तो कॉमन आपका क्या, आपका 13 13 आपका कॉमन है, तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही होगा, क्योंकि सेम आपका पावर, आपका इन दोनों में कॉमन ही नहीं आता, तो 13 ही आपका आ गया आपका, ठीक है। अब जो हमारा कॉमन नहीं है, देखो 13 13 कॉमन होगा, ठीक है। अब जो हमारा कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या करेंगे, उतारेंगे, जो कहते हो, ठीक है। 2 और 7 आपका कॉमन नहीं है, तो इसको जो कहते हो उसको उतार दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, आपका जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करोगे आपको 182 मल्टीप्लाई कर लेना, 182 आएगा। और एक बात और हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक बात और हमेशा आपको, एक बातों का और आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका एलसीएम जो होता है आपका, वो एचसीएफ से हमेशा बड़ा ही निकल के आता है। तो एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, ये हमेशा होता है, ध्यान रखना, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, डायरेक्ट आपका एसएससी इंजीनियरिंग में सवाल पूछा जाता है आपको। देख सकते हो एलसीएम हमारा 182 निकला और एचसीएफ आपका 13 निकला, तो एलसीएम बड़ा आपका एचसीएफ से, आपको ध्यान रखना, हमेशा सवाल में ऐसे ही आएगा आपको, ठीक है, ओके। अब इसको हम वेरीफाई करना सीखते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई आपका प्रोडक्ट आपके नंबर के हमारा बराबर आना चाहिए, यही आपको वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ की वैल्यू कितना आपका, जो का तो रख दो 13, और एलसीएम का वैल्यू कितना आपका 182 182, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो गिवन नंबर हमारा क्या आपका 26 और 91, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो 26 × 91, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका दोनों बराबर ही आना चाहिए, तभी आपका वेरीफाई होगा, क्योंकि आपका इक्वल का साइन है। अगर जो बराबर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गलत कर रखा है ऐसे पहले से निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, आपका 13 और 182 का मल्टीप्लाई करोगे 23 6 6 1 3 6 6 आपका आएगा, आपका कोई एक आपको मल्टीप्लाई करना, आपको ध्यान रखना, दूसरा भी आपको लिख दोगे 23, क्रॉस चेक करने के लिए दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो हेंस वेरीफाई हो गया आपका, हेंस वेरीफाइड, तो पहला पार्ट हमारा क्या होगा, वेरीफाइड हो गया हमारा, ठीक है, पहला पार्ट हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेकंड, चलिए तो सेकंड पार्ट निकालते हैं, 510 और 92 का निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 510 को हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे ही, 510 को ऐसे लिख दो ये, हाँ ऐसे 510, 2 से काटो कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 2 2 2 2 4,
दो बार में जाएगा, दो दूनी चार, ठीक है, फिर दो पच्चीस दस, फिर दो पच्चीस दस, 255 बार में जाएगा, फिर से काटो, फिर ये तीन से कटेगा आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटना है, 3 8 24 आठ बार में, ठीक है, फिर 3 5 15, फिर 5 से कटेगा आपका ये, ठीक है, 17 5 कितना होता है 85, 17 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर खुद 17 से कट जाएगा आपका प्राइम नंबर, आपका 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 5 और 10 को क्या ले सकते हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 ये ले सकते हो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद 92 है आपका, क्या आपका 92 को भी ब्रेक करते हैं, 92 को भी ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर में, आपका 2 से काटो, आपका कट जाएगा आपका, क्योंकि आपका लास्ट डिजिट 2, आपका 2 चौको 8, 2 छक्का 12, ठीक है, फिर से ये 2 से आपका 7 कट जाएगा आपका, हाँ 2 से कट जाएगा आपका, 2 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये 23 बार में जाएगा आपका, 23 में 46 होता है आपका, 23 आपका एक खुद प्राइम नंबर आपका, तो 23 से आपको काटोगे आपका एक बार में आपका कटेगा भाई। तो हम क्या 92 को क्या ले सकते हैं, 2 का देखो 2 कितनी बार हमारा, 2 बार आपका, 2 बार रिपीट करा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, और 2 3 बार होता है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, जितनी बार रिपीट करे उतना पावर लगा देंगे, ठीक है, इंटू 23। इसको हमने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब हम इसका निकालते हैं एस सी एफ और एल सी एम, तो एस सी एफ इसका क्या हो जाएगा, एस सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एस सी एफ 510 और 92 का कितना हो जाएगा हमारा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया एस सी एफ का मतलब क्या है आपका, एस सी एफ का मतलब जो मिनिमम, जो कॉमन देखो सबसे पहले कॉमन दो दो इसके अंदर आपका, इसका मिनिमम पावर क्या आपका, सिर्फ वही वाला देखेंगे ध्यान रखना, तो 2 का पावर 2 आपका, 2 का पावर 1 है आपका, कुछ नहीं लिखा आपका, ठीक है, तो 2 का पावर 1 का मतलब आपका 2 ही होगा आपका इसका एस सी एफ, और यहाँ पर देखो 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 7 इसमें इसमें नहीं है, 23 इसमें इसमें नहीं है, तो ये आपका कोई सा कॉमन नहीं है, तो ये आपका हो गया एस सी एफ। अब एल सी एम निकालते हैं, एल सी एम हमारा क्या हो गया आपका, एल सी एम, एल सी एम 510 92 का एलसीएम में मैंने रूल क्या बताया, इसका मैक्सिमम पावर देखेंगे, क्या देखेंगे मैक्सिमम, तो 2 का पावर 2 आपका क्या आपका मैक्सिमम है आपका कॉमन का आपका, तो 2 का पावर 2 इंटू इंटू इंटू, और ये चीज आपका सब कॉमन है, ये भी कॉमन नहीं है आपका, ये भी कॉमन है, जो का तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे, 3 5 × 7 × 23, ये सारा आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतारना है और इसको सॉल्व करना, आपका कितना आ जाएगा आपका, ये इसको मल्टीप्लाई कर देना आप, 23 460 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो ये आपका एलसीएम आ गया आपका 23 460, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, क्या वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरीफिकेशन, ठीक, वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, एससीएफ पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो या दोनों एक साथ ले लो, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही वेरीफाई आपको करना है, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 2 हमारा एस सी एफ आया और एल सी एम कितना आया, 23 460 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 500 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा, हमारा मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 46 920, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 46 920, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आपका इतना ही आना चाहिए 46 920, कोई एक मल्टीप्लाई कर लो तो आप दूसरा आराम से ले सकते हो, जो यहां पर आएगा वही चीज आपका यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, 46 920 आपका आएगा, ठीक है, ओके, समझ में आएगा ना आपका, तो हेंस वेरीफाई हो गया आपका, हेंस वेरीफाई, ठीक है, ये हो गया आपका वेरीफाई, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। तीसरा सवाल देखो इसी में का आपका, अब तीसरा सवाल आपका क्या था आपका, ध्यान से देखो तीसरा वाला पार्ट क्या, कितना हमारा तीसरा वाला पार्ट है आपका, 336, 336 इक्वल टू 336 फिर 54, चलो बाबू इसका निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे 336 को ब्रेक करते हैं किसमें, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है, तो 336 को ब्रेक करो यहाँ पर, 336 को, 336 को 2 से काटो, कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट, 2 1 2 एक करें, 2 6 12 2 8 16 इतनी बार में जाएगा आपका, फिर 2 से कट जाएगा आपका, 2 8 16 2 6 8, फिर 2 से कट जाएगा आपका, 2 6 8 2 6 8 फिर 2 2 4, फिर 2 से कटेगा शायद, हाँ 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 21 बार में, फिर ये आपका 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर ये 7 आपका एक प्राइम नंबर 7 से आपका कट जाएगा आपका, ठीक है, तो 336 को क्या ले सकते हो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 का पावर कितना हो गया बाबू, 4 हो गया, इंटू 3 × 7, 3 × 7 ऐसे ही लिख देंगे जो कहते हो, ठीक है, तो जितनी बार रिपीट करेगा उतना पावर लगाएंगे, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार रिपीट किया, तो 4 2 का पावर 4 हो गया आपका, ठीक है, ओके। अब 54 का निकालते हैं, 54 का, 54 का निकालते हैं यहाँ पर, 54 का 2 से काटो आपका कितनी बार में जाएगा भाई,
27 बार में जाएगा आपका, ठीक है। फिर 2 से नहीं कटेगा आपका, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 3 27, फिर किससे कटेगा आपका ये, 3 से कटेगा आपका 3 बार, फिर से किससे कटेगा आपका ये बाबू, 3 से ही कटेगा आपका, ठीक है, 3 1 3। तो ये आपका 2 इंटू कितना, 3 कितनी बार आपका रिपीट कर, 3 बार रिपीट कर, 3 का पावर 3, ठीक। निकालते हैं एस सी एफ इसका, एस सी एफ इसका निकालते हैं, एस सी एफ इन दोनों नंबर का 336 और 54, लिखने का तरीका यही है, आपको ऐसे लिखोगे पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे मिनिमम पावर क्या है कॉमन का, 2 और 2 आपका क्या आपका, यहाँ पर आपका कॉमन है आपका, और क्या कॉमन आपका यहाँ पर, 3 3 आपका कॉमन है, तो 2 2 में कॉमन आपका, इसका मिनिमम पावर क्या आपका 2 है आपका, इन दोनों में आपका मिनिमम पावर क्या आपका 3 है आपका, 3 2 6 इसका आ गया आपका। एलसीएम निकालो, एलसीएम मैंने आपको क्या बताया, 336 और 54 का क्या बताया, देखो इनमें देखो कॉमन मैक्सिमम का, मैक्सिमम पावर कितना आपका 2 पावर 4 इंटू, यहाँ पर देखो इसमें कॉमन क्या आपका 3 का पावर 3 मैक्सिमम है आपका, इंटू 7 आपका वैसे ही बचा है, तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार दो। अब इसको सॉल्व करोगे आपका 2 का पावर 4 आपका 16 हो गया आपका, ये आपका हो गया 27 हो गया, 3 का पावर 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा, आपका मल्टीप्लाई कर लेना आप, इतना तो आपको भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दे रखा होगा, 10th क्लास में चले गए हो, मल्टीप्लाई करना आता होगा, मैं आपको मान के चल रहा हूँ, 2 3 0 2 4 3 0 2। नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या, आपका वेरिफिकेशन करना, आपको वेरिफिकेशन आपको कैसे करना, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कैसे करना, आपको देखो सबसे पहले आपको एस सी एफ इंटू एस एफ, एस सी एफ इंटू एल सी एम, देखो एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर, ऐसे लिखने को बोला था। एस सी एफ कितना आया बाबू, हमारा 6 आया, एल सी एम कितना आया 3024 आपका आ गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपका 336 और 54 को मल्टीप्लाई कर दो, यही जो दे रखा है आप, 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा आपका, ये 181 18144, और ये भी मल्टीप्लाई करोगे आपको उतना ही आएगा 181 44। तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया आपका, ठीक। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाना हमने सीख लिया है, ओके। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर का हमारा सवाल नंबर 2 हो गया आपका, तीनों पार्ट हमारा कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब हमारा जो लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, सवाल नंबर हमारा जो 3 होगा, हमारा सवाल नंबर जो 3 होगा उसका मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए चैप्टर वाइज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, 7 बजे आपका लाइव होगा, आपका डेली आपका 7 बजे लाइव क्लास होगा, डेली आप जाकर देख सकते हो वीडियो आपका, एनसीईआरटी का आपका नया वाला, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ओके, थैंक यू।